आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन इफ x एंड y आर टू अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स सच दैट u = x + y एंड v = x - y, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v इन टर्म्स ऑफ सिग्मा x एंड सिग्मा y। ठीक है, तो सिग्मा x और सिग्मा y के टर्म्स में निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, और u हमको गिवन है, ये है x plus y के इक्वल, और v गिवन है हमें x minus y के इक्वल। तो अगर मैं इसका बार ले लूँ u बार, मेरा जो उसका मीन वैल्यू होगी x plus y बार के इक्वल होगा, और v बार मेरा होगा x बार मेरा y बार के इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है कि कोवेरियंस ऑफ u कोमा v वो किसके इक्वल हो सकता है, मैं यहाँ पर e टाइम्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ इधर u माइनस u बार टाइम्स v माइनस v बार। ठीक है, अभी u u बार v v बार के लिए इसमें पुट कर दो तो क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ से, e ऑफ x प्लस y माइनस x बार माइनस y बार। ठीक है, क्योंकि x प्लस इधर प्लस साइन था ना, नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा x माइनस y, ठीक है, माइनस x बार प्लस y बार आ जाएगा, नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, साइन चेंज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, e ऑफ, देखो वैल्यू मिली e ऑफ x माइनस x बार प्लस y माइनस y बार, ठीक है, यहाँ पर इंटू x माइनस x बार माइनस y माइनस y बार। ठीक है, इसके इक्वल मिल गया आपको वैल्यू यहाँ पर अपनी, ये मेरा हो जाएगा ब्रैकेट बंद यहाँ पर और स्क्वायर ब्रैकेट बंद फाइनली मेरा। तो मतलब e ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस x बार का होल स्क्वायर माइनस y माइनस y बार का स्क्वायर, क्योंकि ये था a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और मेरे को पता है ये किसके इक्वल होता है, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर के बराबर, मतलब सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर बराबर होती है हमारी इसकी वैल्यू, e ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर माइनस y ऑफ y माइनस बार का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा बीच में माइनस साइन आएगा यहाँ पर हमारा, माइनस आएगा, ठीक है, इधर माइनस के इक्वल होता है हमारा ये। तो ये मेरा क्या आ गया, कोवेरियंस ऑफ u कोमा v, इसका कोवेरियंस की वैल्यू मेरी इतनी आ गई निकल के। ठीक है, u कोमा v के कोवेरियंस की वैल्यू मेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे को निकालना था, देखो मैं लिख सकता हूँ कि वेरियंस ऑफ u वो मेरा क्या होता है, e ऑफ इधर आ जाएगा u माइनस u बार। ठीक है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ e ऑफ, अब वही x y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो x माइनस x बार प्लस y माइनस y बार का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा मेरा, और ये मेरा हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वेरियंस ऑफ यू मेरी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू मेरी यहाँ पर ये आती है, जैसे यहाँ पर लिखा था मैंने वैसे यहाँ पर लिखा है, अब प्लस आते बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली ऐसे लिख देंगे वेरियंस ऑफ वी, वो हो जाएगा ई ऑफ वी माइनस वी बार इक्वल टू ई ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार प्लस y माइनस वाई बार। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो ये भी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब मुझे निकालना था कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, वो जो मेरा होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसको समझो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा वो, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू, कोवेरियंस ऑफ यू कोमा वी अपॉन सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, मतलब वेरियंस ऑफ यू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी। ठीक है, तो देखो तो कोवेरियंस ऑफ यू कोमा वी के लिए मेरी ये आई थी यहाँ से, तो मतलब वैल्यू पुट कर दो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, और सिग्मा यू और सिग्मा वी की वैल्यू मेरी फाइनली यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्योंकि ये जो मैंने निकालते थे तो मेरे वेरियंस थे, ये भी वेरियंस था और ये भी वेरियंस था मेरा। ठीक है, अगर और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या होता है हमको क्योंकि पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, तो मतलब इसका रूट दिस इंटू रूट दिस करते तो मतलब ये रूट के बाहर आ जाता है, क्योंकि टू टाइम्स होता था होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्टली लिख दिया
मतलब ऐसे लिख लेता मैं इसको, अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कैसे लिखा नीचे, ये मेरा ऑर्डर था सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता मेरा नीचे, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस इक्वल टू दिस वैल्यू आएगी ना मेरी, तो मेरा सीधा सिंपली मैंने ये लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू में नीचे, और ये मेरा आंसर था, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।